मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्तिक महातम 30वां अध्याय, कार्तिक मास की कथा, करती भव से पार, 30वां अध्याय सुनाऊं, हुई हरि कृपा अपार। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह तीन व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं, उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलहा की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सो सुनो। सतयुग में देश, गांव तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का दसवां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसे जिसकी की पत्तल उसने लांगी है, अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है, पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनका ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करती है, वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करती है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों को पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते।
कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास, जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी है, कहता हूँ, ध्यान से सुनो। 30वां अध्याय समाप्त और आगे की कथा हम इस 31वें अध्याय में सुनते हैं। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसीलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतीपुरी, जो राजा महिष ने बसाई थी, इसीलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी, नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नम्रदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नम्रदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गऊओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांध कर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा एक वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल के कड़ाव में उसे फेंका तो लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा,
जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। 31वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे।